भक्ति हमें भयमुक्त होना सिखाती है तो भगवान कृष्ण ने यह जो बात कही है ना अश्रद्धालु नहीं रहना और श्रद्धा की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि मैं अकेला नहीं हूँ भीतर बाहर अंग संग मेरे परमात्मा है इसलिए मुझे किस बात का भय किस बात की शोक किस बात की चिंता ऐसा निश्चिंत तो होकर के जब हम जीवन जीते हैं, जीवन का फिर हर पल स्वर्ग जैसा मरने बाद स्वर्ग होता है क्या मालूम भाई जो मर के गए उन्होंने वहां से व्हाट्सएप तो किया नहीं आपको आया कभी वहां से कोई व्हाट्सअप नहीं आता है वहां से कोई कॉल नहीं आती हेलो मैं स्वर्ग ठीक ठाक पहुंच गया तो तेरी वेट कर रहे हैं आ, ऐसी कोई कॉल नहीं आती ऐसा कोई मैसेज नहीं आता है आ, तो स्वर्ग में जाएंगे तो सुख पाएंगे इस धोखे में मत रहिए तुम इतने बुद्धिमान और इतने आध्यात्मिक व्यक्ति बनो कि तुम स्वयं अपने जीवन को स्वर्ग बना लो मरने बाद स्वर्ग के चक्कर में मत पड़िए आप और आपके अंदर वो ज्ञान वो शक्ति आए जिससे आपका जीवन आनंद और सुख से और परमानंद से बढ़ जाए उसी के लिए तो ये ज्ञान यज्ञ यहाँ पर रखा है और मैं आपसे निवेदन कर दूँ कि भगवान की कोई मूर्ति रखी हो तभी वो मंदिर है गुरु महाराज का प्रकाश हो तभी वो स्थान पवित्र है नहीं मेरी दृष्टि में परमात्मा सर्व व्यापक है तो मैं आपसे पूछती हूँ जो सर्व स्थान में है क्या वो इस ऑडिटोरियम में नहीं है हा? जो सर्व काल में है वो इस समय यहाँ इस टाइम पर मौजूदा छह बजे क्या इस काल में परमात्मा नहीं है? है जो सर्व स्थान और सर्व वस्तु में है क्या वो मेरे में नहीं है क्या वो तुम्हारे में नहीं है तो जो मेरे में है जो इस समय है जो इस स्थान पर है हम कैसे कह दें कि हमको अनाथ फिर रहे हैं हमारा साहेब हमारे साथ हमेशा होता है हम कभी अकेले नहीं होते हैं हम कभी निरीह नहीं होते हम कभी अधीर नहीं होंगे अगर यह या याद रह जाए तो अंदर रहे बाहर जाएं। उठत सुखिया बैठत सुखिया पाओ नहीं लागे जहां ऐसे बुझिया राखा एक हमारा स्वामी सर्व कटाका अंतर्जामी उस अंतर जामी पर दृष्टि रहे और उससे मेरी प्रेमा भक्ति जुड़ी रहे मैं सच कहती हूं कोई क्रोध नहीं तो लीवर ठीक कोई चिंता नहीं तो दिल ठीक और कोई दुख नहीं तो तुम्हारे फेफड़े भी ठीक तो ये ज्ञान सिर्फ बुद्धि के लिए नहीं है प्यार है इस ज्ञान से तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा और जब ये ये जो ऋषियों का वचन है ना आपको ये श्लोक मैं चाहती हूँ मेरे आप बोले हाँ सर्वे बबंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे पश्यन्तु पश्यू कश्चित् दुःख भाग् भवे सर्व सुखी रहे सर्व का दुख दूर हो सर्व की काया जो है रोग रहित हो जाए सर्व भूतों सर्व प्राणियों में सुख का संचार हो ऐसी मंगल कामना इस श्लोक में ऋषि हम सबको देते हैं और यह श्लोक का पाठ ज़रूर करते रहना चाहिए आ, संस्कृत सीखनी चाहिए संस्कृत आनी भी चाहिए संस्कृत बोलने में एक अलग आनंद आता है लेकिन जब तक नहीं आती है तो उसका एक और आसान तरीका है जो गुरुद्वारा साहब में अरदास के बाद कहा जाता है नानक नाम चढ़दी कला तेरे पढ़े शरबत दा भला अब देखो भाई, हमने शरबत का भला मांग लिया तो उसमें हम भी तो हैं वैसे आ, आप सबसे ज़्यादा ज्ञान के सूत्र लेने हो ना तो ट्रकों पर मिल जाते हैं आपने नोट अगर किया हो तो जैसे एक ट्रक ड्राइवर की दरवाजे पर लिखा हुआ था बाबा जी सब ते मेर करो पर शुरू मेरे तो करो बाबा जी सब ते मेर करो पर शुरू मेरे तो करो तो चाहे ऐसे भी चल लो तो भी ठीक है पर जब सब के लिए हमने बात कह दी तो उसमें हम तो शामिल हो ही जाते हैं है ना तो जैसे घरों में ना कभी कभी हमारी माए बड़ी प्यारी होती है इसका अपना जी कर रहा होता है बारिश हो रही थी माल पूड़े खाने का इसका जी हो रहा होता है तो वो पति देव को कहेगी आपका जी कर रहा है खाने का फिर बच्चे से पूछेगी क्यों टी तू खाएंगा तू कितना अच्छा मौसम है सारे कह हाँ मम्मी जी खाएंगे आ चलो तो वास्ते बना देंगी चक्कर बच्चे भी खुश है पर बच्चे ये नहीं समझते कि माता जी ने बड़े तरीके से बनाने अपने लिए बनाते तो सब कहते कि भाई ये क्या भुखी है लालची है ये अपने लिए पका के खाती नहीं वो बड़े तरीके से चलती है सब की बात करती है कि भाई जब सबको मिलेगा तो मुझे तो मिल ही जाएगा तो ईश्वर सब पर कृपा करे जब हम ये भाव करते हैं तो हम इंक्लूडेड होते हैं एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं वी आर इंक्लूसिव इन टू दैट तो ये भाव जो रखता है ईश्वर प्रेम से जिसका हृदय भरा हुआ होता है सच जानिए वो निश्चिंत होकर रात को सोता है और दिन में आहे नहीं भरता और दुखी नहीं होता